नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। महाराष्ट्र में जारी सियासी खींचतान के बीच शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत की शायरी भी खूब सुर्खियां बटोर रही। जब से बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटा है, तब से संजय राउत शायरी के जरिए हाले बयां कर रहे हैं। बुधवार को भी संजय राउत ने एक शायरी ट्वीट की। उनकी शायरी का पत्रकार अनुराग मुस्कान ने जबरदस्त विश्लेषण किया है। दरअसल संजय राउत ने बुधवार को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की मशहूर कविता की कुछ लाइनें ट्वीट की, जो महाराष्ट्र की सियासत पर बिल्कुल सटीक बैठती। संजय राउत ने सुबह सुबह ट्वीट किया, आहुति बाकी, यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। संजय राउत के इस ट्वीट का पत्रकार अनुराग मुस्कान ने मतलब बताते हुए लिखा, आहुति बाकी यानी हम कुर्बानी को तैयार हैं, यज्ञ अधूरा यानी एनसीपी तैयार नहीं हो रही है, अपनों के विघ्नों ने घेरा यानी कांग्रेस भी नहीं मान रही, अंतिम जय का वज्र बनाने और सरकार बनाने के लिए नव दधीची हड्डियां गलाए यानी बीजेपी खूब जोर तोड़ लगा रही है, आओ फिर से दिया जलाए, तो आओ फिर से कमल खिलाए। पत्रकार अनुराग मुस्कान के विश्लेषण के मुताबिक संजय राउत बीजेपी को निमंत्रण दे रहे हैं कि आओ मिलकर फिर से सरकार बनाएं। महाराष्ट्र में जब से बीजेपी और शिवसेना के बीच तल्खी बढ़ी है, तब से संजय राउत लगातार शायराना अंदाज में बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। वो अपनी प्रतिक्रियाओं को शायरी या कविता के माध्यम से ट्वीट कर रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की सोमवार को हुई बैठक के बाद संजय राउत ने शायराना अंदाज में ही ट्वीट कर शिवसेना की मंशा को जाहिर किया था। संजय राउत ने ट्वीट कर कहा था, अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं, जय महाराष्ट्र। इस ट्वीट के बाद सियासी गलियारों में इसके कई मतलब निकाले जाने लगे। सूत्रों का कहना था कि बीजेपी से गठबंधन टूटने और एनसीपी कांग्रेस के साथ नई पारी शुरू करने का संकेत संजय राउत ने इस ट्वीट के जरिए दिया। 14 नवंबर को संजय राउत ने एक और ट्वीट किया, अब डरना मना है। इस ट्वीट के साथ उन्होंने लिखा था, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। बता दें, सोनिया गांधी और शरद पवार की मीटिंग के बाद संजय राउत ने भी सोमवार शाम एनसीपी चीफ से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद शिवसेना के वरिष्ठ नेता ने कहा था कि सरकार बनाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं थी, जिन लोगों के पास सरकार बनाने की जिम्मेदारी थी वे भाग गए, लेकिन मुझे विश्वास है कि जल्द ही हमारी सरकार बन जाएगी। इधर संजय राउत शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाने के मिशन में लगे हुए हैं। उधर एनसीपी चीफ शरद पवार ने बुधवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। कहा तो ये जा रहा है कि ये मुलाकात किसानों के मुद्दे पर थी, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों दिग्गज नेताओं के बीच महाराष्ट्र की सियासत पर चर्चा ना हुई हो। दिग्गज नेताओं की मुलाकातों का दौर जारी है। इन मुलाकातों से सस्पेंस इतना बढ़ गया है कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया है कि सरकार कौन बनाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र की सत्ता कौन संभालेगा, एनसीपी और बीजेपी गठबंधन या फिर एनसीपी कांग्रेस शिवसेना गठबंधन? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।